हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने लिखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, तो ये मैंने क्यों लिया है, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा किया और मैं पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो कुछ बच्चे 0 डिग्री बोलेंगे, कुछ बच्चे 180 डिग्री बोलेंगे और वो कन्फ्यूज रहते हैं, क्लियर होता नहीं है उनको। तो सबसे पहले देखो हमने कितना लाइन ड्रा किया है यहाँ, एक लाइन। तो एक लाइन से कोई एंगल बनता है? एक लाइन से कोई एंगल नहीं बनता है। एंगल बनने के लिए क्या चाहिए? दो लाइन चाहिए। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच एंगल फॉर्म करता है। तो केवल एक लाइन अगर हम ड्रा कर दें और मैं पूछूं कि बताओ यहाँ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं है। और आप अगर डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे बोल दिए 0 या 180 डिग्री, तो ये आंसर देना भी ठीक नहीं है। तो हम समझेंगे कि 0 डिग्री बनने के लिए क्या चाहिए और 180 डिग्री बनने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान लगाओ, एंगल कैसे बनता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। यहाँ क्या दिख रहा है? एक लाइन दिख रहा है। तो आओ समझा जाए कब 0 डिग्री बनेगा और कब 180 डिग्री बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो जैसे मान लो यहाँ हम कोई एंगल लेते हैं, ओके कोई एंगल लेते हैं, सपोज कर लो ये 60 डिग्री का एंगल है या कुछ भी 40 डिग्री का एंगल है, ठीक 40 डिग्री का एंगल है। अब क्या होगा इस, ये जो जैसे मान लो ये एक ए बी लाइन है और ये एक ए सी लाइन है। अब तुम ए सी लाइन को ना और नीचे लाओ, यहाँ पे ला दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एंगल घट रहा है, और नीचे लाओ, अब और क्या हो रहा है, एंगल और कम हो रहा है। तो इस पूरे एंगल की अपेक्षा ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया। ये एंगल क्या हो गया, और कम हो गया। और नीचे लाएंगे तो एंगल की वैल्यू क्या हो गई, और घट गई। तो जैसे जैसे इस ए सी लाइन को हम नीचे ला रहे हैं वैसे वैसे एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो अब क्या होगा जब ये ए सी लाइन थोड़ा ध्यान दोगे, जब ये ए सी लाइन ए बी लाइन से कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्साइड करना माने उसके ऊपर पड़ जाएगा, उससे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो जब ये ए सी लाइन ए बी लाइन से कॉन्साइड कर जाएगा, जैसे मान लो ये ए बी लाइन है, दिस इज ए बी लाइन और मैं यहां ए सी लिख दे रहा हूं, तो अब ये ए बी से ए सी क्या कर गया, कॉन्साइड कर गया, मतलब ए बी के ऊपर ही ए सी आ गया। तो यहां देखो डबल एरो बना है, एक एरो इंडिकेट कर रहा है ए बी लाइन को और दूसरा एरो इंडिकेट कर रहा है ए सी लाइन को। तो हम यहां बोलेंगे कि ए बी और ए सी क्या कर गया, कॉन्साइड कर गया। तो अब यहां ए बी और ए सी के बीच जो एंगल बना है वो 0 डिग्री है, ठीक। अब देखो जैसे अभी हमने ये एंगल लिया 40 डिग्री का, ये क्या है ए बी और ये क्या है ए सी। अब इसको हम बढ़ाएं, ठीक है, तो ये 40 डिग्री था ना, अब ये और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ाओ ये एंगल और बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ए सी है ना ए बी के अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन और ए सी इसके क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अब देखो यहां भी दो लाइन क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, और यहां दो लाइन क्या कर रहे हैं, यहां कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, यहां ए बी के अपोजिट हो गया ए सी, और इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो इसको आप समझे रहोगे, एक छोटा सा ये था टॉपिक, मैं सोचा कि इसको समझा दूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जब दो लाइन, एक लाइन ड्रा कर दिया और मैं पूछूं कि कितना एंगल बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक लाइन से कोई एंगल फॉर्म नहीं होता। तो 0 डिग्री कब बनेगा, जब दो लाइन एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। और 180 डिग्री कब बनेगा, जब एक रे के अपोजिट दूसरी रे हो जाएगी। ओके स्टूडेंट।